पति पत्नी आपस में लड़ाई कर रहे थे। तभी पत्नी ने कहा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम मुझे पसंद नहीं हो, जा रही हूँ, मायके मुझे लेने मत आना। उसके बाद वो सचमुच मायके आ गई। मायके आकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, यूं ही टालती रही। घर वालों ने उसके पति को फोन किया तो उसने भी कुछ नहीं बताया। इस तरह मायके आए हुए उसे 3 महीने हो गए, ना उसने पति को फोन किया ना पति ने उसे फोन किया। वह गुमसुम सी रहने लगी। आज परिवार में किसी की शादी थी, उसकी दीदी ने कहा, ए छोटी अपनी कोई अच्छी सी साड़ी देना। तो उसने कहा, जीजा जी इतना अच्छा कमाते हैं फिर भी आपके पास अच्छी साड़ी नहीं है। दीदी ने कहा, कहां अच्छा कमाते हैं। दीदी साड़ी लेकर चली गई। उसके बाद उसकी भाभी, सहेली और छोटी बहन सब मांगने आ गई, कोई गहना तो कोई कपड़े ले गई। सबने यही कहा, तेरा पति बहुत अच्छा है, तुझे इतना चाहता है, इतने महंगे कपड़े और गहने किसी के पास नहीं है, भगवान तेरे जैसा पति सबको दे। फिर उसे याद आया, जब वह बीमार थी तब उसके पति ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था, ना पल भर भी सोया था। उसे रह रहकर पति की सारी अच्छाइयां याद आने लगी। वह काफी देर तक रोती रही। रोते रोते पति को फोन मिलाया, मुझे माफ कर दीजिए। रोते हुए पति से बोली, मुझे अभी लेने आ जाइए, आज के बाद मैं आपको ऐसे अकेले छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पत्नी को ऐसे रोते देख पति की भी आंखें नम हो गई और उसने पत्नी को माफ कर दिया। पति रोते हुए बोला, रोना बंद करो, मैं अभी 2 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। दोस्तों कभी कभी हमारी जिंदगी में लड़ाई होना भी जरूरी होता है, उससे एक दूसरे की अहमियत का पता चलता है।